सो वेलकम स्टूडेंट, आई एम योर अभिषेक सर फ्रॉम सुपर नॉलेज पॉइंट। सो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इनफॉर्मल लेटर ऑफ आईसीएसई बोर्ड। जो आईसीएसई बोर्ड का इनफॉर्मल लेटर होता है, आज हम लोग उसे यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहली बात, हम लोग इनफॉर्मल लेटर पढ़ते क्यों हैं, मतलब इनफॉर्मल लेटर होता क्या है, इसे हम लोग किस लिए यूज करते हैं और इसके यूजेस क्या है। तो गाइस, उसके लिए देखिए, जो इनफॉर्मल लेटर का यूज है, मतलब इसका पर्पस क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग लिखने का उसका पर्पस होता है अपनी फीलिंग और कंडीशंस को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना। टू एक्सप्रेस द फीलिंग एंड कंडीशन, मतलब कि फीलिंग्स जो हमें, मतलब हमारे हाल खबर, हम समाचार, मतलब हम कैसे, हमारी तबीयत कैसे, हमें क्या जरूरत, हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो सब चीज़ें हम लोग दूसरे किसी रिलेटिव के सामने रखते हैं। ऐसी बात हम लोग किसी रिलेटिव के सामने रखेंगे तो इसलिए इसको इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। दूसरा, टू डिस्क्राइब एन इवेंट एंड इंसिडेंट, जैसे आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया या आप किसी इवेंट में फर्स्ट आए, उसे बताने के लिए भी आप अपने रिलेटिव को बताएंगे तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इनफॉर्मल लेटर यूज करना पड़ेगा। तीसरा, टू स्टे इन टच, टच का मतलब जो आपको जिससे जुड़ा रहना चाहते हैं, मतलब जैसे आप अपनी माँ से जुड़ा रहना चाहते हैं, आप दूसरे शहर में आ गए पढ़ने के लिए, तो उसके लिए भी हम लोग इनफॉर्मल लेटर का यूज करते हैं। क्योंकि अगर इनफॉर्मल लेटर का मेन यूज देखा जाए ना, वो होता है फॉर रिलेटिव्स, मतलब इसमें हम लोग रिलेटिव से बहुत ज्यादा बात करते हैं, मतलब कि रिलेटिव से ही हम लोग इसमें बात करते हैं, इसलिए इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। तो गाइस, चलिए गाइस, इसका हम लोग फॉर्मेट देखते हैं। क्या देखेंगे गाइस, हम लोग इसको मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग देखेंगे फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। ओके गाइस, देखिए, सबसे पहला होता है, अगर आपको कोई लेटर मिला, आप सबसे पहले पूछेंगे कि ये किसका है, मतलब कि जो कोई लिख रहा है वो लिखेगा। सबसे पहले इसमें आता है लेटर राइटर एड्रेस, मतलब जो लेटर लिख रहा है सबसे पहले वो अपना एड्रेस देगा। ओके गाइस, उसके बाद क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद लिखेंगे हम लोग डेट, वो डेट लिखेंगे जो आज प्रेजेंट टाइम में है, मतलब कि आज कौन सी डेट है। गाइस, मुझे भी याद नहीं आ रहा है आज कौन सी डेट है। तो देखिए, फिलहाल आज 16 तारीख है, 16/0/2020, मुझे भी कन्फर्म नहीं है। ओके गाइस, जिस तारीख, जिस डेट को आप लोग लिख रहे हैं, उस डेट को आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लैंक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे, लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब सैल्यूटेशन। ओके गाइस, यहाँ पर सैल्यूटेशन का मतलब है आप सामने वाले, आपका सामने वाला क्या लगता है, मतलब कि आप कुछ डियर एंड डियर मदर, डियर फादर, इस तरह जो डियर शब्द है ना, ये आता है हम लोग को सैल्यूटेशन में, सिर्फ इनफॉर्मल में, इनफॉर्मेटर या और जो इनफॉर्मल में जो हम लोग मेनली डियर यूज करते हैं, डियर सर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, ये सब हम लोग मेनली यूज करते हैं सैल्यूटेशन। लेकिन इसके बाद एक कॉमा होगा, ये आप लोग मत भूलिएगा। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे बॉडी, यहाँ पे कॉमा लगा, हम लोग लिखेंगे बॉडी। अब बॉडी के आपको काफी नंबर मिलते हैं, तो मैं बता दूं, बॉडी में ये तीन पैराग्राफ में होनी चाहिए, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ। ओके गाइस, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, क्या करते हैं गाइस, इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में हम लोग का मेन पर्पस होता है इनफॉर्मल लेटर लिखने का, मतलब जो लेटर लिखने का मेन पर्पस है वो हम लोग किसमें लिखेंगे, सेकंड पैराग्राफ में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मेन कंटेंट में। और तीसरे में हम लोग लिखेंगे कंक्लूजन, मतलब मेनली हम लोग को काम क्या था। और उसके बाद कंक्लूजन के बाद एक अच्छा सा क्लोजिंग सेंटेंस, मतलब जिस ऐसा सेंटेंस जो अच्छा लगे, जिसे मतलब आप लेटर का लिखना बंद कर रहे हैं, वहाँ पे एक आखिरी से अच्छा सेंटेंस यूज कीजिएगा, जैसे हम लोग उसे हम लोग क्लोजिंग सेंटेंस करते हैं। ओके गाइस, अब देखिए, तीन पैराग्राफ में क्या हो जाएगी, उसकी बॉडी हो जाएगी। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब योर लवली, योर ट्रूली सब्सक्रिप्शन। ओके गाइस, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन, उसमें भी कॉमा लगेगा। ओके गाइस, उसके बाद हम लोग एक लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ हम लोग लिखेंगे सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या है, हम लोग सिग्नेचर करते हैं
तो यहाँ पे आपको अपनी स्टाइल नहीं दिखानी, कोई ऐसा करना मतलब स्टाइल से नहीं करना है, मतलब यहाँ पे आप मेनली क्या करेंगे, अपना सिग्नेचर की जगह अपना नेम लिख देंगे, नेम ओनली, सिग्नेचर लिखा होता है लेकिन आपको उस जगह अपना नेम लिखना होता है। गाइस ये था हम लोग का फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। मैं फिर से बता दूं, सबसे पहले लेटर राइटर्स एड्रेस, मतलब जो कोई लेटर लिख रहा है, जैसे मैं आपको लेटर लिखूंगा तो इसमें आप मेरे दोस्त हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल लेटर हो जाएगा, और मैं अपना एड्रेस लिखूंगा, ये मिनिमम दो लाइन और मैक्सिमम तीन लाइन, मतलब मिनिमम दो लाइन और मैक्सिमम तीन लाइन, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोग तीन लाइन इसको लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे जिस तारीख को आप लोग लिख रहे हैं, मतलब जैसे मैं आज लिख रहा हूँ तो आज कौन सी डेट है मुझे पता नहीं फिलहाल, लेकिन जो आज की डेट है उसे आप लिखेंगे। उसका सैल्यूटेशन, मतलब आपके सामने, जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ तो मैं आपको लिख सकता हूँ डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, तो ये हो गया हम लोग का। उसका बॉडी तीन पैराग्राफ में, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, कंक्लूजन, और कंक्लूजन के आखिरी हम लोग एक अच्छा सा बढ़िया सा क्लोजिंग सेंटेंस। उसके बाद फिर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में योर ट्रूली, योर लविंगली, योर फेथफुली, योर सिंसियरली, ये सब वहाँ पे भी कॉमन लगेगा। उसके बाद अपना नेम, सिग्नेचर जहाँ लिखा होगा वहाँ पे आपको अपना नेम रखना था। तो गाइस ये था हम लोग का आज का वीडियो, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मल लेटर की बात करेंगे। तो गाइस आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। बाय गाइस।